अब मैं गैस जला रही हूँ और इस पर कढ़ाई रख रही हूँ गर्म होने के लिए। मेरा अच्छी तरह से गर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा हींग, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। ये 1.5 कटोरी मैं आटा ली हूँ चावल का। अब अच्छी तरह से मैं मिला कर डो तैयार करूंगी, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। इसमें मैं तेल लगा के इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर ले रही हूँ और ये देखिए मैं चावल का बॉल बना रही हूँ। पानी मेरा खोलने लगेगा तो इस पे रखूंगी चावल के बॉल को स्टीम करने के लिए। और ये चावल का बॉल इसमें रख रही हूँ स्टीम करने के लिए। और अब इसको ढक दे रही हूँ 10 मिनट के लिए। ये देखिए मेरा चावल का बॉल स्टीम हो गया है और इसको अब मैं निकाल रही हूँ दूसरे बर्तन में। कढ़ाई मेरा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें तेल डाल रही हूँ तड़का लगाने के लिए। और तेल मेरा अच्छी तरह से गर्म हो गया, अब इसमें डाल रही हूँ जीरा, हरा मिर्च और थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च अच्छा कलर आने के लिए और स्वाद आने के लिए। इसमें मैं राइस बॉल डाल रही हूँ, बॉल में जो स्टीम करके लगा रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैगी मसाला डाल रही हूँ अच्छा टेस्ट आने के लिए। मेरा राइस बॉल तैयार है टेस्टी और स्वादिष्ट। अब इसको मैं निकाल रही हूँ दूसरे बर्तन में। देखिए मेरा राइस बॉल टेस्टी और स्वादिष्ट तैयार है, आइए आप लोग भी खा लीजिए।